में हम कक्षा सातवीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 तापमान तापमान पाठ पढ़ेंगे, जिसमें अपन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे। जैसे ताप और तापमान किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है, वायु किस प्रकार गर्म होती है, साधारण तापमापी द्वारा तापमान कैसे ज्ञात किया जाता है और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी किताब खोल लीजिए और इस पाठ को आप 2 या 3 बार जरूर पढ़ना, आपको सब इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या जानकारियां हैं। तो सूर्य से मिलने वाले ताप को सूर्य ताप कहते हैं। तो जो सूर्य से हमें रोशनी मिलती है उसको सूर्य ताप कहते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी झुलस जाती और जीवधारी नष्ट हो जाते, और पृथ्वी सूर्य ताप को पूरा अवशोषित न कर उसके अधिकांश भाग को वायुमंडल में उत्सर्जित कर देती। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के ताप को वापस भेजने की क्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो आपका प्रश्न आ सकता है कि पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, तो आपको इसका उत्तर याद रखना होगा कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के ताप को वापस भेजने की क्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार समुद्र से दूरी, समुद्र की सतह से ऊंचाई और ताप कटिबंध तापमान को प्रभावित करते हैं करने वाले कारक हैं। तो आपके ये प्रश्न भी बन जाएगा कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्र की सतह से ऊंचाई और ताप कटिबंध तापमान को प्रभावित करते हैं। सर्वाधिक ताप प्राप्त करने वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं, और जहां अधिक सर्दी या गर्मी नहीं होती वह कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसका प्रश्न आप मतलब उत्तर ध्यान रखना कि प्रश्न बन सकता है शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो आप ये पॉइंट नोट करते जाइएगा। शीत की अधिकता वाले क्षेत्र शीत कटिबंध और में आते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को तापमान कहा जाता है। वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है, सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को सौर विकिरण कहते हैं। तो वायु 3 क्रियाओं जैसे विकिरण, संचरण और संचलन द्वारा गर्म होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो वायु किससे गर्म होती है, तो विकिरण क्रिया द्वारा गर्म होती है। धरातल पर ताप प्राप्ति की मात्रा सूर्य किरणों में के झुकाव, दिन की अवधि, समुद्र तल से ऊंचाई और वायुमंडल की चौड़ाई पर निर्भर करती है। सामान्य प्रति 166 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है, और तापमान ज्ञात करने के लिए तापमापी यंत्र का थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका प्रश्न आ सकता है कि तापमान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा थर्मामीटर का। तो आपके मैंने 4 प्रश्न इस पाठ में से निकाले हैं। अगर आपको याद रह जाते हैं पॉइंट, तो आप होमवर्क में ये 4 प्रश्न के उत्तर लिखकर आप मुझे फोटो भेज देना आपके कक्षा के ग्रुप में। अगर नहीं तो मैं आपको प्रश्न उत्तर के फोटो खींच के भेज दूंगी। आज की वीडियो में अपन ये पाठ यही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।